हाय गाइस, क्या आपको ईमेल करना आता है? आता तो होगा क्योंकि आजकल ईमेल के बिना कुछ भी नहीं है। मगर क्या आपको प्रॉपर तरीके से ईमेल करना आता है? एक प्रोफेशनल तरीके से आता है। अगर नहीं आता तो प्लीज इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ईमेल बहुत ही शानदार हो जाएगा और कहीं आप उसको मेल को भेजेंगे और आपका टाइम भी बचेगा और अगला आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन ट्रिक्स होता क्या है, जैसे हम कोई गलत मेल भेज देते हैं गलत ईमेल आईडी पे, तो हम उसको वापस कैसे लेंगे? तो उसको वापस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले सेटिंग बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पे दोबारा जाना है। इस पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन खोलेंगे। देखिए, जैसे अंडू सेंड, अंडू सेंड पे आप सेंड कैंसिलेशन पीरियड 5 सेकेंड रहता है, यहाँ पर आपको करना होगा 30 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड का टाइम आपको मिलेगा। जैसे आपको पता चल जाता है गलत ईमेल आईडी पे सेंड हो गया है, तो आप 30 सेकेंड के अंदर उसको वापस ले सकते हैं। तो यहाँ आप 30 सेकेंड रखिएगा और इसको नीचे आके स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पर आ इसको कर दीजिए सेव चेंजेस। अब ये सेव चेंजेस हो गया। आप जब भी आप मेल भेजेंगे तो 30 सेकेंड आपको मिलेंगे। अब देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा ये वर्किंग। अब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए आपको कंपोज मेल पर क्लिक करना है, मेल भेजने के लिए ये आईडी डालिए। इसमें मैं कुछ भी मैसेज टाइप कर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको सेंड कर दूंगा। जैसे मैं सेंड करूंगा ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा अंडू सेंड के नाम से, ये आएगा। देखिए इसको अंडू कर दीजिएगा आप तुरंत 30 सेकेंड के अंदर। इसके बाद ये देखिए प्रोसेस में है और देख सेंडिंग अंडन हो गया। तो मतलब जो आपका वो मेल था वो आपका गया नहीं, आपने यहीं से उसको रोक दिया। तो ये बहुत ही काम की ट्रिक है, इससे आप गलत मेल पे नहीं जाएगा, आपका जो मेल है गलत ईमेल आईडी पे नहीं जाएगा। आप सेकंड ट्रिक देख लेते हैं। सेकंड ट्रिक है कि आपको एक साथ कई लोगों को आपको मेल भेजना होता है, ऑफिस में जाता रहता है काम। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली कंपोज पे जाइएगा, यहाँ पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ को आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और फिर इसके बाद सेकंड आईडी, थर्ड आईडी, इस तरीके से आपको आईडी अपनी डालनी है जिस चीज को आपको भेजना है। इसके बाद यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर दीजिए, मैसेज आप टाइप कर दीजिए जो भी आपको भेजना है। इसके बाद आप कोई अटैच फाइल कर लीजिए यहाँ से, इसके बाद इसको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद आप देखिए वो ऑप्शन भी आपके सामने आएगा अंडू वाला, क्योंकि तो हमने ऑन कर रखा है। तो आप उसको क्लिक करिए ना करिए, आपकी मर्जी। अगर गलत आईडी पे चला गया तो अंडू कर दिए 30 सेकेंड के अंदर। अब देखिए मैसेज कई लोगों को जा चुका जिस जिसको हमने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी थी। ये हो गई आपकी सेकंड ट्रिक। तीसरी ट्रिक है आपकी, मतलब बहुत लोगों को कम को पता है कि होता क्या है कि इसमें आपका कई मतलब शॉर्टकट्स होते हैं कीबोर्ड के जो लोगों को नहीं पता होता है। तो जैसे इसको शॉर्टकट को ऑन करने के लिए इसमें आपको सेटिंग बटन पर जाना है, दोबारा सेटिंग पर जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका शॉर्टकट्स को ओपन करना इनेबल करने के लिए ऑप्शन पूछेगा। देखिए नीचे आइए स्क्रॉल डाउन, देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ रहता है, इसको आपको नीचे वाले कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन को क्लिक करना है। इसके बाद इसको कर दीजिएगा आप सेव चेंजेस। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है जैसे आप कंपोज करेंगे तो कंपोज पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सी प्रेस करना है। तो देखिए ये कंपोज हो गया आपका, कंपोज की टेम्पलेट खुल गई। ऐसे आपको कोई फॉरवर्ड करना है तो उस मैसेज को खोलिएगा और खोलने के बाद आप एफ प्रेस करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। देखिए फॉरवर्ड का आ गया विंडो। और अगर आपको किसी मेल को रिप्लाई करना है तो आप उसको खोलिएगा, खोलने के बाद आप आर दबाइएगा। अब ये रिप्लाई की विंडो आ गई। तो आप ये कई ऑप्शन होते हैं मैं शॉर्टकट जो रोजमर्रा के कामों में आपकी
यूज होते हैं, तो आप इनका यूज करिएगा, अब आपको कंपोज और इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगली आप ट्रिक है कि आप जैसे कोई मेल भेजते हैं तो उस पर थैंक्स एंड रिगार्ड और नाम वगैरह अपना लिखना पड़ता है बहुत लोगों को, तो आप इसमें एक ऑप्शन को खड़ के यूज और क्या कहते हैं, आप अपना नाम, अपना एड्रेस, फर्म का नाम या फिर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए मैं उसको दिखाता हूँ, आपको पे जाना है, सेकेंड के आइकन पे जाना है, इस पे जाने के बाद आपको दोबारा सेटिंग पे जाना है और इसमें एक ऑप्शन आपके पास आएगा, दिखा दे रहा हूँ, नीचे की ओर आइएगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा इसको, इसमें ये आता है आपका सिग्नेचर, तो ये नो सिग्नेचर रहता है इसमें, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर अपना थैंक्स एंड रिगार्ड लिख सकते हैं। और अपना नेम डाल दीजिए और अपने फर्म का नाम डाल सकते हैं या एड्रेस डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, और अपने ईमेल आईडी डाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हैं, मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसने आपको मेल भेजा है, उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी सारी चीज़ें इसमें आपका आएंगी। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, सेव चेंजेस। अब सेव चेंजेस करने के बाद देखिए मैं आपको मेल भेज के दिखाऊंगा, ये जो मैंने सेटिंग करी है ये आपकी ऑन हो चुकी है, तो आपको कंपोज मेल पे क्लिक करना है या आप सी प्रेस कर दीजिए, आप देखिए यहाँ पर थैंक्स एंड रिगार्ड और नाम जो लिखा हुआ था वो आपका आ रहा है। ऐसी आपकी सारी डिटेल आएगी, आपको टू में आईडी डालनी है उस बंदे को जिसको आप भेजना है, सब्जेक्ट डालना है और देन इसको सेंड कर देना है, सेंड कर दीजिएगा और उसके पास ये जब वो मैसेज खोलेगा तो नीचे आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल, ठीक है ना। अगली ट्रिक जो है वो है आपका शेड्यूल, आप एक मेल को कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने इसको शेड्यूल कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि आप अपने मेल को जब चाहें जब भेज सकते हैं, मतलब आपने जैसे कि उस पर सारी फाइलें अटैच कर दी और उसके बाद आपको कल भेजना है, परसों भेजना है या फिर 2 घंटे बाद भेजना है, वो आप सब सेट कर सकते हैं, तो देखिए वो कैसे होगा। उसके लिए भी आपको इस पे कंपोज पे जाना है, कंपोज पे जाने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सब्जेक्ट डालना है होगा, सब्जेक्ट डालने के बाद आपको कोई फाइल अटैच करा दीजिए, यहाँ से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अटैच करा के यहाँ पर ओपन कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक नहीं करना है, आपको ये मोर सेंड ऑप्शन है इस छोटे वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर आएगा आपका शेड्यूल सेंड, तो इस पर आप क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आएगा दिस मॉर्निंग आफ्टरनून कब करना है आपको, या फिर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो पिक डेट एंड टाइम पे। यहाँ पर देखिए आपको कल भेजना है तो कल भेज दीजिए, यहाँ पर टाइम सेट कर दीजिए, यहाँ पर डेट आ गई ऑटोमेटिक और आपको इसको कर दीजिए शेड्यूल सेंड पे क्लिक। अब देखिए ये शेड्यूल हो गया, आप ये जो हमने डेट दी होगी उस डेट पर आपका जाएगा, देखिए सेंड शेड्यूल फॉर टुमारो 7:13 AM, ठीक है। अब देखिए मैं शेड्यूल का दिखा दे रहा हूँ, शेड्यूल का यहाँ पर 1 आ रहा है, अब देखिए शेड्यूल का 1 आ रहा है यहाँ पर, मतलब 1 हमने शेड्यूल कर रखा है, ये इस आईडी पर ये चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये कुछ ट्रिक हैं जो आपको आनी चाहिए और तभी आप एक प्रोफेशनल मेल भेज पाएंगे और एक सही तरीके से ईमेल को यूज़ कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।